नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, दो लोगों के बीच अगर कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता खराब हो रहा है, उनके रिलेशन में ऐसी दरार पड़ रही है कि दोनों के मध्य बातचीत भी बंद है, मनमुटाव रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, ऐसे कलह कलेश को दूर करने के लिए और अपने उस प्रिय को वापस पाने के लिए, उससे अपने संबंधों को, अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए, मित्रों एक बहुत ही सरल उपाय आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। मात्र 9 हरी इलायची के दानों के द्वारा होने वाला ये सरल सा उपाय इतना शक्तिशाली है मित्रों। इधर आप ये उपाय करेंगे, उधर सामने वाले के दिल में आपके लिए प्यार पनपने लगेगा, प्यार पैदा होने लगेगा और वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचेगा और आपके लिए बेचैन रहेगा। जब तक आपसे आकर माफ़ी नहीं मांग लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा और जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर देंगे, वो चैन से जी नहीं सकेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई साथी, दोस्त मित्र, कोई भी किसी के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। संबंधों को खूबसूरत करने वाला ये बहुत ही उत्तम उपाय है मित्रों। पूरे विश्वास, पूरे यकीन के साथ आप इसे करें और आप देखें इसके परिणाम। आपके जीवन में इतनी खुशियां भर जाएंगी मित्रों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इस उपाय को आप सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 4 दिन में से किसी एक दिन कर सकते हैं। मित्रों, उपाय शुरू करने से पहले आप स्नान कर लें। यदि स्नान किया हुआ है तो आवश्यकता नहीं है। हाथ मुंह पैर अपने अच्छे से धो सकते हैं यदि आप स्नान नहीं कर सकते। धुले वस्त्र धारण करके पहनकर आपने एक स्थान पर बैठ जाना है। बैठते समय अपनी जो दिशा रखेंगे आप, वो पूर्व की यानी ईस्ट की रखेंगे। आपने अपने साथ 9 इलायची के दाने, जैसा कि बताया गया, रखने हैं। साथ में एक चपटी कोई वस्तु रखें, जैसे थाली रख सकते हैं, प्लेट रख लें या आप अपना कोई रुमाल रख सकते हैं। इस तरह की कोई वस्तु लेकर बैठें, किसी भी रंग का, रंग रुमाल आदि में, कपड़े आदि में कोई अनिवार्य नहीं है। उसका आपको इस्तेमाल सिर्फ रखने के लिए करना है। आपने क्या करना है, एक कटोरी आप अपने पास रखें, छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास हो, एक कटोरी रख लें। कटोरी को अपने उल्टे हाथ की तरफ रखें, यानी अपने बाईं ओर रख लें। सामने आपने वो कपड़ा या जो भी थाली प्लेट आपने कुछ भी ली है वो बिछा लें। आपने उस पर जो इलायची लिए हैं 9, 3-3 इलायची रख दें, यानी 3-3 का आप झुंड बना लें, यानी 3 इलायची एक जगह, 3 इलायची एक जगह, 3 इलायची एक जगह, एक के बाद एक रख दें। अब जो बीच वाली इलायची हैं 3, उसमें से एक इलायची उठाएं, उस इलायची को आप अपनी जीभ के नीचे रख लें, मुख बंद रखेंगे उसके बाद, और मन ही मन सबसे पहले 5 बार उस व्यक्ति का नाम ले लें और उसे ध्यान करें, एकाग्रचित्त होकर उसे विचारें, सोचें। उसके बाद आपने, वीडियो में एक मंत्र दिया गया है, इसका आपने मन ही मन 5 बार उच्चारण करना है। बड़ा सरल सा मंत्र है, आप याद करके बड़े आराम से इसे बोल सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आप इसे याद अवश्य कर लें। प्रेमच्च च अमुक चह, प्रेमच्च च अमुक चह, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें। यदि आप पूरा नाम जानते हैं, पूरा नाम लें, पहला नाम जानते हैं, पहला नाम, परंतु उसे ध्यान करें एकाग्रचित्त होकर, उसके चेहरे को अपने अंतर्मन में लेकर आए। इसके बाद आपने कुछ जो एक दाना है उसे आप जीभ से निकालें और कपड़े पर ही कहीं रख दें, कपड़ा या थाली जो भी है उस पर कहीं भी रख दें। बाकी बचे जितने दाने हैं उनको आप कटोरी में रख दें। इस एक दाने को आपने मित्रों क्या करना है, संभाल कर रखना है अपने पास, परंतु इन दानों के साथ नहीं रखना है। कटोरी वाले सभी दाने आप ढककर एक स्थान पर रख दें आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से अधिक कम ना हो। आधे घंटे बाद ये सभी दाने आपने घर से बाहर किसी भी एक खाली स्थान पर छोड़ आने हैं, रख दें, कटोरी से बाहर निकालें। दाने दाने रखने हैं, कटोरी ना रख के आए, वापस आ जाए। जो एक दाना आपके पास है इसे रात के समय सोने से पहले आप खा लेंगे मित्रों, बस ये आपने उपाय करना है। सफल होने के बाद फिर इस उपाय को 2 बार इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन चुनकर आप करें और आप देखें इसके परिणाम, आपका रिश्ता पहले से भी अधिक खूबसूरत हो जाएगा।
अब दें आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही सरल परंतु शक्तिशाली उपाय के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।